कुराली विच ऐतवार को देर रात एक भयानक हादसा वापरा है जिथे पालमपुर तो दिल्ली जा रही हरियाणा रोडवेज की बस कुराली के ओवरब्रिज से एक होर बस न टकरा गई। इस हादसे में दो की मौत दसी जा रही है जबकि 25 तो 30 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। मिली जानकारी अनुसार पालमपुर तो दिल्ली जा रही राधा स्वामी सत्संग की बस से हरियाणा रोडवेज की आमो सामने टक्कर हो गई। यह हादसा इन्ना भयानक सी कि इस विच बस बुरी तरह नुकसानी गई। इस हादसे की सूचना मिलदिया ही पुलिस ने मौके पर पहुँच के राहत कार्य शुरू कर दिता। पुलिस ने स्थानिक लोगों की मदद नाल बस में फंसे लोगों को बाहर कढ़िया वख-वख हॉस्पिटलों में दाखिल करवाया। इस हादसे में जख्मी हुए लोगों को PGI चंडीगढ़ 32 सैक्टर चंडीगढ़ और मोहाली के हॉस्पिटलों में रैफर किया गया है। इसके अलावा अधी दर्जन लोग कुराली के हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। बस सवारियों मुताबिक हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर बस में गलत तरीके चला रहा है। हम आ रहे थे पालमपुर से दिल्ली जा रहे थे। क्या बात हो रही है? गाड़ी उसकी बड़ी तेज थी। अच्छा जी। दो तीन बंदों ने सोचा भी थोड़ी धीरे चला गाड़ी ना। हाँ जी। तो वो एक उसने मोबाइल उठाया हुआ था, मोबाइल भी चला रहा था, ये बस लोग तेज चला रहे थे। अच्छा जी। कितने सवारियाँ पटड़ रही है? करीब 12 बजे इनफॉर्मेशन मिली थी कि दो बसों का एक्सीडेंट हो गया अपने रेलवे ओवरब्रिज का, जिहड़ा कुराली एक हरियाणा रोडवेज की सी फरीदाबाद डिपू की बस वो इधरों बैजनाथ साइड तो आ रही थी दिल्ली वालों गाड़ा फरीदाबाद, तो दूजी बस की जी राधा स्वामी सत्संग जी संगत से वो बैठिया सोलन साइड तो जलंधर जा रही थी। जी हरियाणा रोडवेज की बस जो ये पुल से चढ़ी जो ड्राइवर से वो बहुत रैश ड्राइविंग करता आ रहा है, जी सवारी ने सू दस बाद में पहले भी कहा कि तू बड़ा संभाल के चला से ढंग ने गड्डी चला बहुत रैश ला रहा है, पर लेकिन वो मनिया नहीं। जो ये पुल के कोल बस आई किसी कार को ओवरटेक कर लगी तो ओवरटेक करती यह सामने आ रही जी बस थी संगत वाली वो टकरा ये हरियाणा रोडवेज की बस थी जी अद्धी पुल के उत्ते अद्धी हवा के थले मतलब डिगण वाली थी, जिदे सवारियां तीन थले डिग गई पुल के उत्तों, जिन्हों एक एट द स्पॉट उत्ते मौत हो गई।